अपने पैसे इन्वेस्ट करता है हर महीने की 3,000 रुपए की किस्त देता है या 5,000 रुपए जैसा जिसका गोल बनता है, तो आने वाले 2 साल 4 साल के बाद उसको क्या मिलने वाला है? अगर कोई जैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो 2 साल 3 साल में उसके रेट डबल हो जाते हैं, बंदा कमेटी भी डालता है तो घाटे से छुटाता है जी। प्लस यहाँ 2-4 हजार रुपए किस्त भरता है तो अब एक तो उसके पैसे इकट्ठे होते हैं जी, प्लस उसकी जमीन पे डबल रेट हो जाते हैं। क्या बातचीत। सपोज करो किसी ने हमसे 25 गज का प्लॉट 1.5-2 लाख रुपए का लिया जी, 2 साल तक किस्त भरी, 2 साल में वही 4-4.5 लाख रुपए का हो गया। क्या अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है 1.5-2 लाख रुपए की चीज कितने 2 साल के अंदर 4-4.5 लाख रुपए तक चली जाती है। दोस्तों आज आपको दिलवाने वाला हूँ दिल्ली से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर घर बना करके दे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पर घर खरीदे हैं और बहुत संतुष्ट है। कितने हजार रुपए की किस्तें, मात्र 3,000 रुपए की किस्तें देने, कहते 3,000 भी नहीं है तो 2,000 रुपए की किस्तें दे सकते हो भाई। कितने 50 गज 100 गज 70 के घर है? हाँ जी 70 के। ये सब बना करके दे जा रहे हैं? हाँ बना करके, बना करके दोगे, सिर्फ महीने की किस्तें देनी है? हाँ जी महीने की किस्तें भैया। और यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन पास मिलेगा, मेट्रो स्टेशन पास मिलेगा, मेन काले रोड के पास में जगह मिलने वाली है अपने घर के अंदर में। भैया दुकानें बना करके दे रहे हैं, घर बना करके दे रहे हो, घर भी भैया पूरे पक्के हैं, कड़ी सिलने वाले नहीं है, पूरे लेंटर वाले घर है, जैसे कि आप देख रहे हैं लेंटर डलवा के दे रहे हैं, एक नंबर का माल लगा रहे हैं, ईंट भी एक नंबर की है, देख लो चेक कर लो। क्या आपने देखी भी है ईंट? पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है। इनका ऑफिस सारी डिटेल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरी सच्चाई में आज आपको दिखाने वाला हूँ। देख पा रहे हैं ये पूरी की पूरी भैया फैक्ट्री एरिया रहने वाला है, इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है, ट्रोनिका सिटी का एरिया रहने वाला है। कम से कम भाई कितनी फैक्ट्री होंगी? कई लाख फैक्ट्री हैं, वजीराबाद जमुना पार तक फैक्ट्रियां जा रही है। और भाई इसी के पास में इनका प्लॉट आपको मिलने वाला है बहुत ही। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं EDU इंटरनेशनल स्कूल, भाई ये आपकी प्रॉपर्टी से मेरे ख्याल से 100 कदम की दूरी पे भी नहीं होगा, ज्यादा तो 50 कदम की दूरी पे स्कूल है। 50 कदम की दूरी पर भैया इनकी प्रॉपर्टी के पास में स्कूल आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये क्या प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हैं? ये सब प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हैं, प्लॉट दिखा रहे हैं। अच्छा जी, और ये कई सारे जानकारों ने जिन्होंने प्रॉपर्टी जिन्होंने हमें कल क्या कहते हैं जिन्होंने बुक करी थी उन्होंने बाउंड्री करवा दी, मात्र उन्होंने बुकिंग के 5,000 रुपए दिए थे टोकन मनी और उनकी बाउंड्री करा दी, कब्जा एंड टू एंड दे दिया। क्या बातचीत हो रही है सब। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल सैनिसा व्लॉग्स के ऊपर, और मुझे देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को हाथ जोड़ के राम राम भी। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं दोबारा से ट्रोनिका सिटी पर, थोड़ी सी यहाँ की तरफ करेंगे, जितनी भी जगह देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं, और वहाँ की तरफ में जो आप देख पा रहे हैं ये ट्रोनिका सिटी के अंदर पड़ता है, जहाँ पर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, जिनके पास मैं लेकर आया हूँ भैया। लास्ट टाइम भी मैंने इनकी आपको वीडियो दिखाई थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये घर जो बनाकर दिए गए हैं इनके बनाकर के दिए गए हैं, यहाँ के ओनर से ही मैं मिलवाऊंगा जिन लोगों के साथ द्वारा मतलब इन्होंने जिनको घर बना के दिया, जिन्होंने पैसे लगाए, ये सब चीजें साथ साथ में भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं। साथ में आप एक ये घर देख पा रहे हैं पूरा घर भैया, ये भी आप ही के द्वारा बना के दिया गया? हाँ जी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया को आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार परिचय करा देता हूँ। भाई फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे, कैसे आप? बस थैंक यू भाई जी, बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई लास्ट टाइम मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत कहना चाहेंगे व्यूवर्स को हमारे? व्यूवर्स ने बहुत प्यार दिया, लोग आए भी हैं, आओ देखो, जो पहला आएगा पहले पाओ, और जमीनें भी ले रखी हैं जी, जिसको एल टाइप के प्लॉट लेने हैं तो नई जमीन ली है, आप आइए और लीजिए, जैसे कि अपने 500-700 हजार रुपए देकर अपना प्लॉट लीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे पीछे जो भाई खड़े हैं ये सब पहले अपने अपने प्लॉट पे खड़े हुए थे, ये सबके इनके अपने प्लॉट है, बाउंड्री करा करके छोड़े हुए भैया सबने? हाँ बाउंड्री करा के छोड़े हुए। क्या बातचीत। सो भाई यहाँ पर अपनी और कितनी प्रॉपर्टी रहने वाली है? जी और कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रहने वाली है? अभी आगे और साइड ले रखी है, वहाँ पे न्यू जमीन है, एक साइड आगे चल रही है वहाँ पे जमीन है। क्या बातचीत। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर मात्र 3,000 रुपए की महीने की किस्तों पर आपको अपना घर बन रहा है मिल रहा है, बना करके दिया जा रहा है, और भैया जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी पाएगा मेन काले रोड के पास। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया भैया के पास में प्रॉपर्टी लेने के लिए मतलब लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है, साथ ही साथ में इन्होंने जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को प्रॉपर्टी मिल चुकी है भैया? हाँ मिल चुकी है, कुछ लेने वाले आए हैं कुछ ले चुके हैं, सब की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। ये भैया यहाँ पर अधिकतर जितने भी लोग बैठे हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जैसे कि मैं अगर आपकी बात कराना चाहूँ भैया किन से पूछूँ आप बताएं, जिनकी रजिस्ट्री सब हो चुकी है जिनका मकान भी सारे कस्टमर बैठे हैं, बात कर लो भैया आपका मकान रेडी हो चुका है? नहीं रजिस्ट्री हो चुकी है। ओके किस्त अभी बाकी है? किस्तें अभी बाकी है। कितने महीने किस्त दे रहे हैं अभी आप? तकरीबन ये मान के चलो 13 किस्तें जा चुकी। ओके और कुछ बाकी है? कुछ बाकी है। हाँ, अच्छा आप वैसे किसी का मकान भी जिसको मिलकर रेडी हुआ है वो बताएं, आपको मिलकर रेडी हुआ है? सो भैया आपको बना बनाया मकान दिया भैया ने? नहीं नहीं बनाया हूँ। आपने बनाया? भैया ने बनवाया आपने खुद बनाया? खुद बनाया जी। क्या बातचीत, बहुत बढ़िया। कितने मतलब 40 गज के अंदर में, और आपकी किस्तें पूरी हो गई? पूरी हो गई जी। आपको पूरी आपकी रजिस्ट्री मोटेशन नंबर सब कुछ आपके नाम पर, संतुष्ट है आप? बिल्कुल। जगह अच्छी है? अच्छी है। और लोगों को लेनी चाहिए यहाँ पर? हाँ जी सजेस्ट करते हैं। हाँ लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया। एक बार यहाँ की तरफ आके भैया एक बार भैया अपना नाम भी बता दो प्लीज हमारे व्यूअर्स को। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र वाला आप कहाँ से? दिल्ली से, बारगंज।
दिल्ली पहाड़ जैसे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पर कोई भाई देखने के लिए भी आए थे प्रॉपर्टी, उनके बारे में बताएं कौन से भाई देखने के लिए आए थे? ये देखने के लिए आए भैया, देखने के लिए आए। तो भैया आपने देखी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी देखी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, दिल्ली बहुत नजदीक है, दिल्ली से बहुत बड़ा बेनिफिट है, दिल्ली से 10 मिनट का रास्ता है भैया, दिल्ली से मात्र 10 मिनट का रास्ता है। और लोगों को लेना चाहिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना, मेरे ख्याल से लेना चाहिए, हम संतुष्ट है। क्या बात, जगह अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। और जैसे कि कई सारे जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग के पास मकान नहीं है, जो किराया दे रहे हैं, कुछ लोग बनाकर भी यहाँ पर रहना चाहिए, कुछ लोगों से हमने वहाँ लोकल लोगों से पता भी करा, अच्छा व्यवहार है जी। और कुछ किसी साथ धोखाधड़ी नहीं है, ओके। और सबको पहले ही बना के लेने के लिए इन्होंने जगह दे दी है, बनाने और रहने सब, उस बात से हम भी संतुष्ट हो गए। बहुत बढ़िया। और भाई ये सारी सारी आपकी रजिस्ट्री रखी हुई है यहाँ पर? हाँ रजिस्ट्री रखी हुई है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारी सारी रजिस्ट्री रखी हुई है। सो भाई और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो आप कह सकते हैं फिर एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी भी रखते हैं आपकी। मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग किराए पे रह रहे हैं और उनके पास अपने मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है, वे 2-4-5 हजार रुपए किस देंगे, अपना मकान बना ले, किराए पे कब तक भटकते रहेंगे? मेरा सपना है जो दिल्ली में बाहर के लोग आ रहे हैं, सबका अपना दिल्ली के अंदर अपना मकान हो। विराज भाई मेरा ये सपना है कि सबका अपना मकान, भाई साहब मेरे साथ क्या बात है, ये भी लेंगे, ये किराया भर रहे हैं, ये कह रहे हैं किराए में मुझे मकान हो जाएगा, बिल्कुल ये भाई साहब मेरे साथ आए, ये भी लेंगे एक प्लॉट, ये कह रहे हैं कि जो मैं वहाँ किराया देता हूँ दिल्ली के अंदर, वो किराए में मुझे यहाँ मकान मिल गया, क्या बात, अपना पूरा हो जाएगा मकान, एक दिन मेरा हो जाएगा उसी किराए के पैसों। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मात्र 2-3 हजार रुपए की किस्तों के अंदर आपका अपना मकान हो सकता है, जल्दी जल्दी आप आए जिया बिल्डर पर। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, भैया ने जैसे मकान बना करके दिए हैं, साथ ही साथ में भैया जिन भैया ने मकान लिया है मैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। सो भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी बनाई गई है आप ही के द्वारा बना कर दी गई है? नहीं बना इन्होंने, सहयोग हमारे रहा, हमने बना के दिए। ओके, पैसा तो इनका ही लगा है, पैसे भैया के ही लगा है, क्योंकि सारी चीज सारी किस्तों के ऊपर ही, सब किस्तों के मुलाकात कराता हूँ जिनका ये मकान है। भाई ये जो मकान है आपने खुद बनवाया भैया? हाँ जी। क्या बात है, एक बार उन्होंने नाम बताया भैया हमारे? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र, सुरेंद्र मंडल भैया। एक मंजिल का मकान, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, ये ऊंचाई क्या बोलते हैं तकरीबन कितनी ऊंचाई? 3.5 फीट। 3.5 फीट ऊंचाई और ये पूरी दीवार विवार, कितने 2 कमरे भैया इसमें? कितने कमरे? 2 कमरे। 2 कमरे, हाँ एक किचन है। क्या बात है। और भाई कितने में पड़ा ये आपको, कितने हजार किस्तों में पड़ा ये? मतलब वही 5,000 किस्त। 5,000 की किस्तों पे, जैसे कि भाई कहते हैं कई लोग 3,000 की किस्त देते हैं, तो 3,000 में भी दे देते हैं वैसे ही? हाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये बता रहे थे कि आपने बीच में बहुत सारी किस्तें मतलब देना देनी बंद भी कर दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको दे दिया? हाँ हमने तो 1 साल दिए नहीं थे, 1 साल किस्त ही नहीं दी आपने, उसके बावजूद भी मिल गया। सो मतलब दोस्तों आप देख पा रहे हैं भैया, चाहे आपकी कंडीशन कैसी भी हो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर एक बार आपने यहाँ पर पैसे पे करे, अपनी कुछ किस्तें दी हैं। और भाई ब्याज लिया कुछ इन्होंने आपसे? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कोई ब्याज नहीं लिया भैया, बिना 1 रुपये ब्याज के इनको इनका घर दिया गया है, पैसे इन्होंने दिए लेकिन बनवा के इन्होंने दिया है, सही कह रहा हूँ भैया मैं? और भैया अपनी भैया वैसे भी कितनी साइटें और चल रही है ये बताएं? अभी 2-3 साइडें और चल रही है, अभी आगे भी लेके चलता हूँ दूसरी वाली जमीन पे भी, फिर एक न्यू जमीन लिया उस पर भी लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ 2-3 साइडें चल रही है। और दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे एक बार यहाँ की तरफ, आप करिए इधर की तरफ आए भाई, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी बसावट बननी स्टार्ट हो रही है, मेन काले रोड के पास में इनकी प्रॉपर्टी रहने वाली है भाई। ये पूरे क्या बोलते हैं लेंटर वेंटर डलने की तैयारी चल रही है यहाँ पर? हाँ लेंटर, लेंटर वाले मकान बन रहे हैं भैया, नॉर्मल कड़ी सिल्ली वाले नहीं, लेंटर वाले मकान यहाँ पर बना के दिए जा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और तो अभी लोग रह रहे हैं, धनकुड़ कोचिंग सेंटर भी खुल गया, ये धनकुड़ कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर खुल गया। और ये सामने की तरफ में भैया पूरी की पूरी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई भी भाई नौकरी करना चाहता हो तो भैया बहुत सारे, आपने बताया था लास्ट टाइम यहाँ पर लोग नौकरियां करते हैं। हाँ नौकरी, कई लाख फैक्ट्री हैं, बहुत लंबा वजीराबाद तक इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, कई लाख फैक्ट्री हैं। यहाँ पर घर ले रखा और यहाँ से पैसे कमाते हो, यहाँ से पैसे कमा कर देते रहो। क्या बातचीत भैया, क्या बातचीत, बहुत टोकन मनी देगा, मकान अपना बना के रह सकते हैं, यहीं से कमाओ और यहीं से पैसे दो, अपना किराया बचाओ, अपना मकान कर लो 2-4 साल में। क्या बातचीत भाई, क्या बातचीत। सो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर इनकी भैया नई 2 बिल्डिंगें बनाई जा रही है, मेरे ख्याल से भाई दोनों 50-50 गज के बनाए जा रहे हैं। नहीं 100-100 गज के, 100-100 गज के पूरे। हाँ 100-100 गज के। ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे भाई ये बनवाए भी आपके द्वारा जा रहे हैं? हाँ जी हमारे द्वारा बनवाए जा रहे हैं, पैसे आदमी दे रहा है और बनवा के आप दे रहे हैं, लेकिन किस्तों में देगा वो पैसे हमें, किस्तों में वो भाई पैसे देगा और इन्होंने पहले ही आपको पूरा बना करके दे रहे हैं। कितने हजार की किस्तों में? मात्र 3,000, 4,000, 5,000, 2,000, 10,000, जैसे जिसका जुगाड़ जैसा बहुत बनता हो, बहुत बनता हो ऐसे पैसे देते रहो और अपना मकान में रहना स्टार्ट कर दो। क्या बात है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूँ, यहाँ की तरफ में आपको पूरी बिजली की लाइनें मिल जाएगी, देखो पूरे घर बने हुए हैं यहाँ पर भाई, बिजली पानी की सुविधा पूरी है यहाँ पर, पूरी बिजली पानी पार्क लाइट कन्वेंस हर चीज की सुविधा है। क्या बातचीत भाई ने यहाँ पर बताया था भैया खड़खड़ी रेलवे स्टेशन, खड़खड़ी रेलवे स्टेशन ये रहा 10 कदम की दूरी पर, पीछे ही आपको खड़खड़ी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रेन जाएगी तो ट्रेन की आवाज भी रहेगी, क्योंकि ये क्या है भाई जो लोग चाहते हैं ना एकदम सुनसान इलाका, शांति शांति प्रिय इलाका जो लोग चाहते हैं
भैया वाला ही इलाका रहने वाला है, और जैसे कि आप देख पा रहे भाई कम से कम दो तीन कमरे बनाए जा रहे हैं, सबके अंदर में ही है। ये दुकानें निकाली जा रही हैं, पीछे अच्छा कमरे बना दिए गए हैं। भैया आगे की तरफ के अंदर लोगों की दुकानें निकाल दी गई है, पीछे कमरे, मतलब रोजगार हो गया दुकान का। हाँ जी। और घर का घर हो गया है। हाँ जी। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ की तरफ के अंदर जो भाई आपके ये भी प्लॉट आप ही के ही है? हाँ, सारी जमीन अपनी है सर। क्या बातचीत भैया, क्या बातचीत, कुछ बताया भैया हमारे व्यूवर्स को, अगर कोई यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है हर महीने की 3,000 रुपए की किस्त देता है या 5,000 रुपए जैसा जिसका गोल बनता है, तो आने वाले 2-4 साल के बाद उसको क्या मिलने वाला है? अगर कोई जैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो 2-3 साल में उसके रेट डबल हो जाते हैं, बंदा कमेटी भी डालता है तो घाटे से छुटाता है जी। प्लस यहाँ 2-4 हजार रुपए किस्त भरता है तो अब एक तो उसके पैसे इकट्ठे होते हैं जी, प्लस उसकी जमीन पे डबल रेट हो जाते हैं। क्या बातचीत। सपोज करो किसी ने हमसे 25 गज का प्लॉट 1.5-2 लाख रुपए का लिया जी, 2 साल तक किस्त भरी, 2 साल में वही 4-4.5 लाख रुपए का हो गया। क्या अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता 1.5-2 लाख रुपए की चीज कितने 2 साल के अंदर 4-4.5 लाख रुपए तक चली जाती है। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की तरफ में भाई सुविधाएं क्या क्या मिल जाती है, एक बार ये बताएं हमारे। बिजली, पानी, लाइट, पार्क, मंदिर, मस्जिद, हर चीज की सुविधा है। अच्छा जी, सब कुछ है यहाँ। हाँ, सब कुछ है। क्या बातचीत, बहुत बढ़िया। और ये इलाका कौन सा पड़ता है वैसे? ये जी इलाका कौन सा पड़ता है अंदर की तरफ में? ये ट्रोनिका सिटी पड़ता है सर। ट्रोनिका सिटी। और ये आपने कुछ बताया था यहाँ से कॉलोनी का नाम अलियाबाद, खड़खड़ी रेलवे स्टेशन है, मात्र 10 मिनट की दूरी। और एक आपने बताया था मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है यहाँ की। मेट्रो स्टेशन हो रहा है ट्रोनिका सिटी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से मात्र 500 मीटर अंदर, 500 मीटर के अंदर में। सो दोस्तों यहाँ की तरफ में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है, और भाई ये जो बना करके दे रहे हैं, अगर आप भी लोग चाहते हैं अपना बनवाना तो दोस्तों इनके पास आकर के मात्र शुरुआत की जो इनका बुकिंग अमाउंट रहता है, बुकिंग अमाउंट है अपना मात्र, बुकिंग अमाउंट 10,000, 5,000, 2,000 देगा अपना। अच्छा, तुरंत कब्जा ले, ये भी जिसकी जैसी सहूलियत बनती, जैसी सहूलियत है जिसके ऐसे अपने तुरंत अपना कब्जा ले। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये किसी को भी निराश नहीं करते भैया, आपका जैसा गोद बनता हो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 अगर कोई 50,000 रुपए भी देता है, एक तो उसकी पहली बात तो उसकी रकम सेफ है, सेफ है रकम, सेफ है। दूसरा उसको भैया अपनी अपनी कीमत के ऊपर में ब्याज कोई नहीं देना, अपना 1 रुपया ब्याज नहीं है भैया, कोई ब्याज नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। इस वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था भैया, जिन भैया ने अपने मकान, अब देखो काम चल रहा है, काम चलवा रहे हम, मकान बनवा के दे रहे, और इससे ज्यादा क्या है। बिल्कुल भैया सही बात कही, सही बात कही। और भाई अभी हम आपकी एक साइड के ऊपर और चले। हाँ जी दोस्तों, अब आपको लेकर चलता हूँ इनकी एक साइड के ऊपर, पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप भी लोग सोच रहे हैं भैया अपना एक छोटा सा घर लेना, या जो लोग आप किराए पे रह रहे हैं वो चाहते हैं दिल्ली से नज़दीक मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अपना घर लेना, बना करके रहना, तो भाई बना करके भी देंगे, बनाई का भी आपको किस्तों में पैसा देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और बिना एक भी रुपया ब्याज का दिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, विदाउट ब्याज, विदाउट पेनल्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा घर लेने में भाई ब्याज मारता है जो लोग लोन लेते हैं, किस्तों में पैसा देते हैं। यहाँ पर आपको किस्तों में पैसा तो देना है लेकिन ब्याज 1 रुपया नहीं देना। अब एक काम करता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको इनकी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर में। दोस्तों अब लेकर आ चुका हूँ आपको इनकी न्यू साइट के ऊपर। मैं कहता हूँ ना हमेशा जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी पाओगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया ये मकान बन रहा है, पूरी भैया यहाँ तक की बाउंड्री ली गई है। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखो जरा मेन काले रोड के पास में, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा जो रोड के नज़दीक जमीन रहती है भाई पास में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई ये काला रोड है, मेन 100 फुटा रोड है, इधर ट्रोनिका सिटी की जमीन आ गई, सारी ट्रोनिका सिटी है, इधर ये सारा सिटी की जमीन आ गई, और ये पूरा का पूरा आ गया भाई। ये यहाँ तक बनेगा क्या, ये पूरी बाउंड्री करी गई है यहाँ? हाँ, यहाँ तक मकान बनेगा भैया, यहाँ तक मकान बनने वाला है। और आप देख सकते हैं ये भाई बता रहे थे भाई ईंट नंबर पूरा 1 नंबर माल लगा जा रहा है, 1 नंबर ईंट लगी हुई है सारी, 1 नंबर माल लगा हुआ है, पूरा का पूरा 1 नंबर माल लग रहा है। और भाई कोई भी भाई मात्र कितने हजार रुपए की किस्तों पर भाई, दोबारा बताओ, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जैसे जिसकी गुंजाइश है इतनी किस्त देगा, अपना प्लॉट बना लो भैया। एकदम पूरी पक्की ईंट रहते, कई सारे लोग कहते हैं नहीं पक्की ईंट है जी, क्वालिटी होती है, ये कैसी ईंट है? ये पक्की ईंट है जी, स्पेशल अव्वल ईंट है। अच्छा जी। हाँ जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा माल जेन्युइन लगाया जा रहा है। और जो ये एक हम तेज देख पा रहे हैं, ये क्या निकाला हुआ है आपने, पूरी की पूरी गलियां निकाली है? ये गलियां निकाली हैं, इस पर भी डाबर का रोड बिछवाएंगे, इसलिए बाउंड्री करिए, इस पर डाबर का रोड पक्का रोड बना करके देंगे। वाह जी वाह। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी प्रॉपर्टी इन भैया की अपनी रहने वाली है। और यहाँ की तरफ के अंदर भैया अभी तो मेरे ख्याल से बच रहे हैं पीछे के प्लॉट जो है, बच रहे हैं अभी, बच रहे हैं भैया प्लॉट, 1 महीना जमीन को लिया हुआ नहीं हुआ। आपने जब पहली वीडियो बनाई थी जब बनाई थी, इसमें से 1700-1800 गज जगह बिक भी चुकी है, 1700-1800 गज जगह भैया बिक भी चुकी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी इन्होंने गलियां बना करके छोड़ी हुई है, ये प्लॉट बना करके छोड़े हुए, जिसको जैसे मर्जी प्लॉट लेना चाहता हो भाई। कितने 20 गज से शुरू होते हैं, कितने से शुरू होते हैं? 25 गज, 30 गज, 50 गज, 100 गज, जो जितना लेना चाहता हो उतना प्लॉट ले ले। क्या बातचीत। और भैया कितने हजार रुपए की किस्तों में? मात्र 3,000 रुपए, 2,000 रुपए। और भाई ये कहते हैं भाई पिछली बार हमने एक चीज बताई थी कि कोई भी अपना
कितने रुपए, 1000 रुपए देकर भी बुक करा सकता है? हाँ, 1000 रुपए देकर भी, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए टोकन मनी देकर अपना तुरंत कब्जा ले ले। क्या बातचीत। और एक सैनी साहब आपको एक बात और बताऊं जी, ठीक है जी, क्या है ज्यादातर लोग जैसे गरीब हैं, लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ बुला रहे हैं, फंसा रहे हैं, वीडियो पर गलत बोल रहे हैं, जैसे एक दो कमेंट भी आई है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक चीज और इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ जी, कि जो 3000 रुपए किस्त है जी, वो 25 गज के प्लॉट के लिए है, जो हमारे बेचारे गरीब आदमी है, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, उन पर किराए पर रह रहे, 5-6 हजार रुपए कमा रहे, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, तो 25 गज का प्लॉट अपना 3000 रुपए महीने की किस्त में आराम से अपना मकान बना सकते हैं। और ये बाकी जैसे 100 गज है, 500 गज है, या कोई 50 गज ले रहा है, या कोई 200 गज ले रहा है, 500 गज ले रहा, कोई ऐसी पेनल्टी नहीं है कि किसी को नहीं दिया जाएगा जी। जैसे 5000, 10000, 15000 जैसी जिसकी सुविधा ऐसी किस्त पे प्लॉट ले सकता है। और दूसरी बात भाई, किस्तों के ऊपर कोई ब्याज तो नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लोग अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए आए, देखो वहाँ पर भाई एक वीडियो भी बना रहे हैं, सारे सारे अपनी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इनके पास में आपको एक पूरी सुविधा मिलती है, आपको यहाँ तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाएगा, प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी, आपको समझ आती है, आपको इनके डॉक्यूमेंट देखने, आपको सारी चीज देखनी है, जानकारी लेनी है, आपका मन करता है कि भैया यहाँ पर प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए, मेरी बढ़ेगी, तो ही आप ले, वरना ना ले। कोई जबरदस्ती तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं भैया, जिसको पसंद आए वो ले। हाँ, हम सभी से कहते हैं कि एक बार आकर के विजिट जरूर करोगे, क्योंकि भाई विजिट करोगे जब ही आप देख सकते हो भैया कितनी प्रॉपर्टी इनके पास में बच रही है, जब आप विजिट करोगे जब ही आप देख सकते हो भैया यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी पास आओ, जब आप विजिट करोगे जब ही आप देख सकते हो भैया यहाँ की तरफ के अंदर में कितनी फैक्ट्री है यहाँ पर लगी हुई है, ये पीछे की तरफ में पूरी की पूरी ट्रोनिका सिटी बसी हुई है, जहाँ पर भैया कम से कम भाई कितनी हजार फैक्ट्री है, कई लाख फैक्ट्री है वजीराबाद तक, कई लाख फैक्ट्री है वजीराबाद तक फैक्ट्री है, मतलब कि भैया जो लोग वहां पर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 10000, 15000, 7000 रुपए है, वो यहाँ पर अपना 2-3000 रुपए ही किस्तों के अंदर घर लेते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, कई सारे लोग अपना खुद रहते भी हैं, खुद रहते हैं, कोई किराए पे चढ़ाना चाहता है बना के, किराए की सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर किराया भी ठीक ठाक मिल जाता है। हाँ, किराया ठीक ठाक मिल जाता है। क्या बातचीत। सो दोस्तों, सारी सुविधाओं के साथ में यहाँ पर आपको घर दिया जा रहा है, बना करके दिया जा रहा है, आपकी पॉकेट के ऊपर इतना वजन नहीं डाला जा रहा कि भैया आपको यहाँ पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ अगर आपकी किस्तें कोई मतलब मिस हो जाती है कि भैया आप किसी महीने किस्तें नहीं दे पाए, तो भाई कोई पेनल्टी नहीं है, एक रुपया पेनल्टी नहीं, नहीं कोई पेनल्टी नहीं। लॉकडाउन में अब देखो सैनी भाई, लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने के पैसे, तो हमारी किस्त कहाँ से भरते। बिल्कुल, अभी उन कस्टमरों से जो वो गए थे, अभी आपकी बात करें, एक साल तक किस्त नहीं दी उन्होंने, लॉकडाउन से इतना प्रभाव पड़ा, लेकिन किसी का प्लॉट कैंसिल तो नहीं हुआ, सबको प्लॉट दिया। क्या बातचीत। यहाँ पर एक मैं स्टूडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने चलाई थी, आपने शायद देखा होगा, एक भाई ने पूरे एक साल तक किस्तें नहीं दी, फिर भी आज उन भाई को पूरी की पूरी उनकी रजिस्ट्री दे दी गई है, उनके नाम करा दी गई है, क्योंकि उन्होंने बाद में पूरी किस्तें कंप्लीट, मकान भी बना लिया उन्होंने मकान भी बना लिया। सो मतलब यहाँ पर इतनी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। सो भाई इन दी लास्ट हमारे व्यूवर्स को ये और बताएं कि कोई आपके पास में आता है तो निराश तो नहीं होगा कि यार मैं गलत जगह पे ले लिया, ये हो गया? कोई भी आपका व्यूवर्स आता है, कोई निराश नहीं होगा, अभी तक कोई निराश नहीं हुआ। अच्छा जी, सबको प्लॉट दिए जो आपके व्यूवर्स आए। क्या बातचीत भैया, क्या बातचीत। सो दोस्तों, सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आकर के विजिट जरूर करें, आकर के देखें जरूर, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं सच्चाई आपको समझ आएगी नहीं, क्योंकि अपनी भैया वो कहते थे आंखों के प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ऐसे कुछ डायलॉग है वो। हां जी, हां जी। तो भैया आकर के अपनी आंखों से स्पष्ट देखें, डॉक्यूमेंट देखें, पेपर देखें, पूरा आपके नाम करा करके दी जाएगी, प्रॉपर्टी देखें, जब पूरा आपको संतुष्टि हो जाए उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी ले। मात्र 1000-2000 रुपए देकर भी आप इनकी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। पूरी वीडियो आपने देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, राम राम।